50 और 60 के दशक का एक ऐसा लोकप्रिय फिल्म अभिनेता जिसने अपने करियर की शुरुआत 60 रुपए की नौकरी से की थी और बाद में कालिदास, तानसेन, कबीर, बैजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसे महान हस्तियों के किरदार निभाए और उस दौर में राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेताओं को टक्कर दी। लेकिन जीवन के आखिरी पड़ाव पर इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह पाई पाई को मोहताज हो गए और आर्थिक तंगहाली को झेलते हुए इस दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, कौन थे वो सुपरस्टार अभिनेता जिन्हें अपने जीवन के आखिरी दिनों में इतने बुरे दिन देखने पड़े और क्या था वो कारण, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और फिल्मों और फिल्मी सितारों के जीवन से जुड़े हुए अनसुने किस्सों को जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 60 के दशक के बड़े फिल्म स्टार भारत भूषण के बारे में, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में छोटे रोल के जरिए अपनी पहचान बनाई। लेकिन जैसे ही उन्हें बड़े किरदार निभाने का मौका मिला तो उन्होंने उस किरदार को इस तरह से निभाया कि वह फिल्म इंडस्ट्री में छा गए और लगातार कई हिट फिल्में दे डाली। हालांकि दोस्तों, भारत भूषण के पिता राय बहादुर मोतीलाल पेशे से एक वकील थे और वह कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अभिनय की दुनिया में कदम भी रखे। लेकिन दोस्तों, शायद भारत भूषण की किस्मत में एक अभिनेता बनना लिखा था और वह बने भी और अपने दौर में सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में छाए भी रहे। लेकिन एक गलती ने उनका बना बनाया करियर चौपट कर दिया और एक ही झटके में वह अर्श से फर्श पर आ गए। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही भारत भूषण मुंबई आ गए थे और थोड़ा बहुत संघर्ष करने के बाद वह महबूब खान की सिफारिश पर निर्देशक रामेश्वर शर्मा से मिले, जो उस वक्त फिल्म भक्त कबीर पर काम कर रहे थे और उन्होंने इस फिल्म में भारत भूषण को काशी नरेश का रोल निभाने का मौका दिया और साथ में ही 60 रुपए प्रति माह के हिसाब से नौकरी भी दी और इस तरह बड़ी आसानी से भारत भूषण के फिल्मी करियर की शुरुआत हो गई। दोस्तों, 50-60 के दशक में भारत भूषण स्टारडम के ऐसे दौर में थे जहां वह कपूर और दिलीप कुमार को भी टक्कर दे रहे थे और एक वक्त के बाद वह फिल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार भी बने। लेकिन अपने भाई के कहने पर ऐसी गलती कर बैठे कि जिसके बाद उनका करियर ही बर्बाद हो गया था। दोस्तों, अपने करियर की पीक पर भारत भूषण ने अपने बड़े भाई रमेश की बात मानकर फिल्में प्रोड्यूस करने का बड़ा कदम उठाया और कई फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिनमें से उनकी दो फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात सुपर हिट भी हुई। लेकिन बदकिस्मती से इसके बाद उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई वो सब फिल्में फ्लॉप होने लगी और उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब वह कर्ज में डूब गए और पाई पाई को मोहताज हो गए। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत भूषण ने ऐसी आर्थिक तंगी झेली कि वह बहुत ज्यादा बीमार हो गए और उनके सभी करीबियों ने उनका साथ छोड़ दिया, कोई उनका इलाज तक करवाने वाला नहीं था और अंत में 10 अक्टूबर साल 1992 को 72 साल की उम्र में आर्थिक तंगहाली से जूझते जूझते भारत भूषण इस दुनिया से चले गए।